योर इंडियन कंज्यूमर। हे दोस्तों, कैसे हो? मैं प्रसाद व्यापारक, आपकी तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक, और आज मैं आपको OnePlus X के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताऊंगा, यानी कि OnePlus X की अच्छी और बुरी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस और पैकेजिंग की बात करेंगे। पैकेजिंग के मामले में इस फोन ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। OnePlus आपको इस डिवाइस में बहुत ही प्रीमियम तरह का पैकेजिंग देता है। दूसरी अच्छी चीज जो हमने इस फोन में पाई है वो है ये बैक कवर। जी हाँ, ये फोन सॉफ्ट सिलिकॉन बैक कवर के साथ आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी बिल्ड क्वालिटी देखते हुए। ये कवर आपको बहुत ही अच्छी ग्रिप देगा और इसका बैक पैनल कम्प्लीटली प्रोटेक्ट करेगा। तीसरी अच्छी चीज जो हमने इस फोन में पाई है वो है स्क्रीन गार्ड प्रोटेक्टर। तो ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स आपको एक स्क्रीन गार्ड प्रोटेक्टर के साथ आएगा। चौथी अच्छी चीज जो हमने इस फोन में पाई है वो है सारी एक्सेसरीज काफी बढ़िया हैं, और जो बिल्ड क्वालिटी और प्लास्टिक क्वालिटी है वो काफी प्रीमियम फोन्स के टक्कर की है। अब अगर हम डिजाइन की बात करें तो 5 इंच का फोन होने के बावजूद ये हाथ में काफी अच्छी तरह से फिट हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे हमने इसे कंपेयर किया है iPhone 6s के साथ, और आप देख सकते हैं कि इनकी साइजेस लगभग सिमिलर हैं। एक और काबिले तारीफ चीज जो हमने इस फोन में पाई है वो है ये प्रोफाइल स्विचिंग बटन। ये हार्डवेयर बटन जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है वो साइलेंट प्रायोरिटी और ऑल प्रोफाइल्स स्विच करने में आपकी काफी सहायता करेगा। ये फोन एक्सपांडेबल 128GB की कैपेसिटी के साथ आता है। अभी अगर हम कैमरा की बात करें तो पीछे के बाजू जो 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया हुआ है उसका एपर्चर 2.2 है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा लाइट कैप्चर करने की कैपेसिटी रखता है। जो लेंस है वो भी वाइड एंगल लेंस है, तो आपको काफी अच्छा लाइट मिलता है फोटोग्राफ्स में, पर कभी कभी एक्सपोजर जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है। पर उसके बावजूद ये फोन ठीक ठाक फोटोग्राफ्स खींच लेता है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी कुछ सैंपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो सैंपल है वो फ्रंट साइड के 8 मेगापिक्सल कैमरा से लिया गया है। Recording using the back camera, and now we are going to try to focus. Let's see how the autofocus functions. कैमरा के बारे में इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो नीचे लिंक में जरूर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अभी बात करते हैं अंतुतु स्कोर के बारे में। तो अराउंड 39,900 का अंतुतु बेंचमार्क स्कोर देता है ये सेल फोन, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है ये प्राइस रेंज कंसिडर करते हुए। और एक इंटरेस्टिंग फीचर जो हमने इस फोन में पाया है वो यहाँ है बटन में। तो यहाँ आप देख सकते हैं आप ऑन स्क्रीन बटन्स ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ये फोन जो है वो हार्डवेयर कैपेसिटिव बटन्स के साथ आता है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हार्डवेयर बटन्स हैं, पर ये बैकलिट नहीं है, तो बैकलिट ना होने की वजह से आपको अंधेरे में देखने के लिए तकलीफ होगी। पर अच्छी चीज ये है कि आप ऑन स्क्रीन बटन्स ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, और एक और अच्छी चीज ये है कि आप बैक बटन और मल्टीटास्किंग बटन की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपका हाथ छोटा है तो आपको बैक बटन राइट साइड पे ज्यादा कन्वीनियंट गिरेगा। जो कैपेसिटिव होम बटन है उसकी फंक्शनैलिटी हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अगर हम उसे ऑन रखें तो लॉन्ग प्रेस और डबल टैप की एक्शन हम उस पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने डबल टैप किया होम कैपेसिटिव बटन पे और फोन ने होम स्क्रीन पे जंप किया। अब हम देखेंगे लॉन्ग प्रेस फीचर को, और लॉन्ग प्रेस करते ही फोन ने गूगल सर्च ऑन कर दिया है। तो ऐसा ही यूज आप बाकी दो कैपेसिटिव बटन्स का भी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बैक बटन और रीसेंट टैप बटन्स को भी एक्टिवेट कर दिया है इस तरह से। अब हम बात करेंगे जेस्चर्स की। तो ये फोन कुछ जेस्चर्स के साथ आता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे ओ ड्रॉ करके कैमरा स्टार्ट कर सकते हैं और वी ड्रॉ करके फ्लैशलाइट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये चीज डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा। तो अभी मैं स्क्रीन पे ओ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ओ करते ही देखिए कैमरा स्टार्ट हो चुका है। सिमिलरली मैं आपको दिखाऊंगा कि वी ड्रॉ करते ही जो फ्लैशलाइट है वो चालू हो जाता है। तो ये एक जो जेस्चर फीचर है मुझे काफी बढ़िया लगा। उसके बाद बात करेंगे कस्टमाइजेशन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमाइजेशन में मैंने जो है डार्क मोड ऑफ कर दिया है। तो ये फोन जो है पहली डार्क मोड के साथ आता है। एमोलेड स्क्रीन है तो बैटरी सेव करने में काफी सहायता होती है। अभी फिर से मैं डार्क मोड एक्टिवेट कर रहा हूँ। ये जो बटन है इनके कलर्स भी हम सेट कर सकते हैं, तो अभी मैं जो है इसका कलर चेंज करूंगा। मैंने कलर ऑरेंज कर दिया है। तो ये सारे वेरियस कलर्स ऑप्शंस है जिसमें आप अपनी पसंद का कलर रख सकते हैं। अब बात करते हैं एलईडी नोटिफिकेशन लाइट की, और एलईडी नोटिफिकेशन लाइट भी मल्टी कलर्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे कलर्स आप रख सकते हैं आपके एलईडी नोटिफिकेशन लाइट के लिए। ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। एक और प्रो या अच्छी चीज जो हमने सेल फोन में पाई है वो यहाँ पे है। ये बटन प्रेस करते ही आप अपने सारे बैकग्राउंड में रनिंग एप्स बंद कर सकते हैं, तो आप स्टॉक लॉलीपॉप में ये चीज नहीं पाएंगे। अगली चीज की बात करें तो आप होम पे राइट साइड स्लाइड करते ही आपको ये मेन्यू ओपन हो जाता है, जहाँ पे आप अपने फ्रीक्वेंट एप्स देख सकते हैं और आप कुछ विजिट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं ऐड कर रहा हूँ कोई विजिट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गूगल नाउ ऐड कर दिया है, और बैक जाते ही ये सेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट नहीं कर पाऊंगा, और अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो मुझे एडिट में जाके वापस
देखिए इस तरह से मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ। अगर आप ये सेलफोन खरीदते हैं तो मैं यकीन के तौर पे कहता हूँ ये फीचर आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे। अभी अगर हम कॉन्स की या नेगेटिव चीजों की या बुरी चीजों की बात करें सेलफोन के बारे में, तो पहली बात तो है इसकी डेलिकेट डिजाइन, जिसके वजह से ये बैक कवर बहुत ही जरूरी हो जाता है। दूसरी चीज है इनवाइट सिस्टम। जी हाँ, ये फोन सिर्फ इनवाइट सिस्टम्स पे अवेलेबल है, तो अगर आपके पास इनवाइट नहीं होगा तो आप ये फोन नहीं खरीद पाएंगे। तीसरी चीज की बात करें तो ये सेलफोन ईयरफोन्स के साथ नहीं आता है। चौथी चीज जो हमने मिसिंग पाई वो था 4K रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी। ये फोन 4K रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता है। अभी अगर हम गेमिंग की बात करें तो भले ही इसमें जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 801 है और एड्रीनो 330 GPU के साथ ये सेलफोन आता है, पर फिर भी हमने लाइट गेम जैसे कि सबवे सर्फर है इसमें लैग्स पाए। हमने पाया कि ये सेलफोन हल्के लैग्स और फ्रेम ड्रॉप्स देगा अगर आप गेमिंग करते हैं। ये सेलफोन एस्फाल्ट नाइट्रो जैसे लाइट गेम पे भी लैग होता है। नोवा 3 जो गेम था उसमें हालांकि ये सेलफोन काफी ज्यादा लैग हुआ था, फ्रेम ड्रॉप्स हमने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किए थे। तो अगर आपका गेमिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं कहूंगा इस सेलफोन से आप दूर ही रहिए। नीचे के बाजू जो दो स्पीकर ग्रिल दिए हुए हैं उसमें एक ही स्पीकर ग्रिल में स्पीकर है, तो आपको एक ही ग्रिल में से आवाज आएगी। ये सेलफोन जो है वो इंडिया के 4G सारे नेटवर्क्स पे काफी अच्छी तरह काम करेगा, पर अगर आप US में AT&T का नेटवर्क यूज करते हैं और उस पर आप 4G यूज करना चाहते हैं तो जो हेवियर बैंड है जैसे कि 12 और 17 उस पे ये सेलफोन अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। और एक और आखिरी नेगेटिव चीज जो मैं बताना चाहता हूँ इस सेलफोन के बारे में वो ये है कि अगर आप एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड यूज करना चाहते हैं तो आप एक टाइम पे सिर्फ एक सिम कार्ड यूज कर पाएंगे। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं यही कहूंगा कि 17,000 रुपए की प्राइस ब्रैकेट में मैं आपको काफी अच्छे ऑप्शंस और बता सकता हूँ जो आपको इस फोन से कहीं ज्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे। अगर आप उन ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हैं या अगर आप ये फोन खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिए, मैं आपको सारी लिंक्स दूंगा जिसमें आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी मिलेंगी और मेरे बाकी फोन्स के सजेशंस भी मिलेंगे। अगर आप इस सेलफोन की अनबॉक्सिंग और डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए वीडियोस पे क्लिक कर सकते हैं जो कि एक नया पेज ओपन करेंगे नए टैब में। और अगर आप ये वीडियो मोबाइल फोन पे देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक्स भी जरूर दूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ जो कि OnePlus X खरीदना चाहते हैं। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे थे तो मेरे चैनल पे जरूर जाइए, देखिए मैं कैसे वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो जरूर सब्सक्राइब करके योर इंडियन कंज्यूमर फैमिली का हिस्सा बनिए। बस आज के लिए इतना ही, मैं प्रसाद वेद पाठक आपसे विदा लूंगा, फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।